फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय हेमचंद। स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्वांटिटेटिव वीडियो का 16th वीडियो आज आपको बता रहा हूं। इस वीडियो में आप इनफाइनाइट सीरीज का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए मैंने इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए, इसका तुम्हारा फर्स्ट टाइम इसका है वो कैसा देखिए। देखिए, जो टाइप वन में मेरे क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए सारे क्वेश्चन इनफाइनाइट का देंगे। देखिए, जितने क्वेश्चन मैंने देखिए बोल्ड पर लिखे हैं, इन सारे क्वेश्चनों की विशेषता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, देखिए ये इनमें जो वैल्यू लिया है, देखिए इनके जो फैक्टर होते हैं उनका डिफरेंस एक होगा। कैसे करेंगे देखिए, आप देखिए, जैसे यहां पर देखिए 2 है, तो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 1, डिफरेंस एक हो गया। अच्छा, ये देखिए 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 × 3 = 12, 4 और 3 6 के, 3 और 2 30 के, 6 और 5। तो देखिए कैसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम में इसके लिए बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। तो देखिए कैसे, देखिए आगे 2-4 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, देखिए आप तरीका से देखिए। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम, तो देखिए आपको जो करने का तरीका, देखिए इसका तरीका ये होगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि देखिए 2 है जैसे, तो 2 के अगर हम फैक्टर करें तो होता है 2 × 1, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए अब देखिए, अगर यहां पर चिन्ह प्लस का है तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस वाला है तो जो छोटा वाला फैक्टर है वो उसका आंसर हो जाएगा। सिंपल से देखिए, देखिए इसका मतलब ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये प्लस का है माइनस का। एक और देखिए एग्जांपल, देखिए ये क्या है, देखिए 12, ये सारे प्लस के हैं और ये सारे माइनस के हैं। तो देखिए 12 के फैक्टर हो सकते हैं 4 × 3। तो देखिए अब देखिए, अगर प्लस वाला है तो बड़ा फैक्टर और माइनस वाला है तो छोटा फैक्टर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 4, और इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 3, इसका आंसर आएगा 3। और देखिए क्वेश्चन, देखिए देखिए यहां पर देखिए सारे के सारे क्या है, देखिए 6 है, लेकिन वो प्लस का रहा है। देखिए ये सारे के सारे 6, देखिए प्लस के हैं, ये सारे के सारे 6 माइनस के। तो देखिए 6 के फैक्टर हुए 3 × 2, तो देखिए प्लस वाला है तो जो बड़ा फैक्टर है वो इसका हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। और यही क्वेश्चन देखिए माइनस में है तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2। एक देखिए क्वेश्चन और, देखिए 30 है, देखिए 30 के फैक्टर क्या होता है, देखिए 6 × 5, तो जो बड़ी वैल्यू है वो उसका आंसर हो जाएगा प्लस का, यानी इसका आंसर बता देगा 6, और इसका आंसर बता देगा 5। तो स्टूडेंट देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, देखने की देर है बस आपको क्वेश्चन को, 1 या 2 सेकंड में आपका आंसर सीधा हाथ पे आपके आ जाएगा। बस लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, देखिए इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपका क्वेश्चन ये मेथड तभी अप्लाई होगी जब इसमें डिफरेंस 1 होगा। अब फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना आए तब क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट उसको कैसे करते हैं, देखिए अब आज देखिए इसके टाइप सेकंड करते हैं। देखिए इसका, देखिए टाइप फर्स्ट के मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चनों में
फैक्टर का डिफरेंस वन था। अब देखिए यहां पर फैक्टर का डिफरेंस वन नहीं है, देखिए ए के फैक्टर आप करोगे तो 4 into 2 हो सकता है, तो डिफरेंस 2 का हो जाएगा। ऐसे 15 में देखिए 5 into 3 2 का हो जाएगा। 17 में आई लाइन 17 और 1 17 के फैक्टर की पॉसिबिलिटी 17 into 1 होगा सबको। तो देखिए इसको ऐसे कैसे कर दीजिए, ऐसी कंडीशन अगर आपके पास आ जाएगी तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए अगर ये सीरीज प्लस की होगी तो आपका फॉर्मूला होगा अंडर रूट 4a + 1 + 1/2। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर आपकी सीरीज माइनस की होती है तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा 4a + 1 - 1/2। ये अप्लाई होगा। तो ये आपको तब अप्लाई करना है जब आपका डिफरेंस 1 ना आ रहा। तो देखिए आप देखिए यहां पर क्या देखिए 8 है, यानी कि हमारी a की वैल्यू कितनी हुई 8। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 4 into 8 + 1 + 1/2। तो देखिए 4 into 32 + 1 = 33, तो अंडर रूट 33 + 1/2। देखिए ये हमारा आ गया, देखिए आंसर आप देखिए सही आ रही है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए 4 into 19 + 1 + 1। देखिए ये वाला वर्ग जो है रूट से बाहर है, अपॉन 2। तो देखिए 19 * 76 = 77 + 1/2। देखिए ये हमारा आंसर आएगा। देखिए एक और देखिए, देखिए इसका, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब देखिए अब आपको ट्रिक्स समझ में आ जाएगी। देखिए अगर आपको ट्रिक्स समझ में आ रही है देखिए तो आप अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर ट्राई कीजिए, उसके आप वीडियो को फिर देखिए पॉज करके कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। देखिए तो देखिए हमारा 23 है, देखिए सेम ऐसे ही होगा। देखिए 4 into 23 + 1 + 1/2। देखिए ये हो गया आपका, देखिए कितना 23 * 92 = 93 + 1/2। देखिए वाला आंसर आएगा। देखिए अब देखिए टाइप सेकंड देखते, देखिए इसमें सारे कैसे है, देखिए माइनस के हैं, सेम प्रोसेस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। देखिए ये 7 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 4 into 7 + 1 - 1/2। देखिए आ गया हमारा अंडर रूट 7 28 √29 - 1/2। देखिए हमारा आ गया आंसर। एक और देखो, तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए खुद ट्राई कीजिए। देखिए 4 into 15 + 1 - 1/2। ये हो गया, देखिए 15 * 60 = 61 - 1/2। देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से प्रश्न होते आ रहे हैं। देखिए देखिए अगर स्टूडेंट अगर आपको मेथड का अगर समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन में और देखा, देखिए आपको आपको ट्राई कीजिए 5 सेकंड के अंदर में सेम ऐसी क्वेश्चनों का देखा उसका आंसर इसका टाइप कीजिए। देखिए स्टूडेंट टाइम इज ओवर, देखिए इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 4 into 17 + 1 = 2 अंडर रूट 68 और 1 61।
9 माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको अब दो टाइप्स करके देखिए। पहला टाइप मैंने आपको सिखाया कि जब इनफाइनाइट सीरीज में जो हमारा नंबर हो उसके फैक्टर का डिफरेंस 1 हो रहा हो, और सेकंड मेथड यह देखिए कि अगर हमारा डिफरेंस 1 ना हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट उतार रहे हैं, अगर आप वो मेथड भूल भी गए तो इस मेथड से अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। ये तो शॉर्टकट ट्रिक है, और टाइप 1 इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, वो वेरी शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो देखिए दो टाइप के आपने सीख लिए। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और हो सकता है, वो क्या होता है कि देखिए मैं जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे के सारे या तो प्लस के हैं या सारे क्वेश्चन माइनस के हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लस का हो एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा, देखिए हम उसको कहते हैं टाइप 3। ये टाइप 3 में क्या देखिए, अब देखिए मेरे अब फर्स्ट और सेकंड टाइप का ये मिक्स है, देखिए इसमें प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं। तो देखिए अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में पहले प्लस है या माइनस है, ये आपको देखना है। देखिए देखिए इसमें स्टार्टिंग में प्लस है और इसमें स्टार्टिंग में क्या देखिए माइनस है, इसी हिसाब से हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला सेम है। इसका फॉर्मूला है 4a वहां भी था, 4a यहां भी देखिए, और इसका फॉर्मूला है 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, और इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। दोनों फॉर्मूले सेम है, सेम मेथड। अब देखिए कैसे हो रही, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर देखिए हमारी a की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 6। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए फिर हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 4 into 6 minus 3 plus 1 upon 2। तो देखिए 4 6 जा 24, 24 में 3 गया 21 plus 1 upon 2, ये हमारा आगे देखिए आंसर। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें देखिए माइनस कर रहे हैं, अगर माइनस पहले होगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम वैसी है। तो देखिए यहां पर हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 11। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 4 into 11 minus 3 minus 1 upon 2। तो देखिए 11 4 जा 44, 44 में 3 गया 41 माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए मेथड में आपको ना पेन उठाने की जरूरत है ना को कैलकुलेटर उठाने की जरूरत है, सिर्फ आप देख करके सीधे आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके चार विकल्प भी होंगे, तो आप ऑप्शन देख के अगर आप अपने मनी मन मेथड को यूज करके आप मनी मन का आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका ए पार्ट होगा या बी पार्ट होगा या सी पार्ट होगा या डी पार्ट होगा। देखिए तीन टाइप के क्वेश्चन अब तक सीख चुके हैं। अब देखिए इसका एक टाइप और होता है, वो कैसे होता है वो देखिए कि जिसमें अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ये सारे या तो प्लस के हैं या सारे माइनस के हैं या मिक्स हैं। अब एक टाइप का ये होता है कि जब बीच में ना प्लस हो ना माइनस हो और सारे के सारे इनटू में, तो वो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन अगर आती है कि जिसमें देखिए ये इनफाइनाइट सीरीज हो लेकिन बीच में प्लस माइनस ना हो, कैसे होगा देखिए। इसका बहुत ही सिंपल तरीका देखिए, इसको सॉल्व करने में आपको आधा सेकंड भी लगेगा। इसका क्या है सिस्टम, देखिए जो अंदर नंबर लिखा होगा वही उसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर आएगा 5 और इसका आंसर आएगा 30। यानी क्या करना है आपको, देखिए बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट सीरीज हो
और बीच में कोई साइन ना हो, यानी कि इनटू हो, बीच में कि गुणा का निशान हो या ना हो, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि जो अंदर स्क्वायर रूट में नंबर लिखा होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 5, सेकंड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा 13। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारी सीरीज का लास्ट टाइप है 5। देखिए अभी तक जो मैंने आपको चार टाइप बताए हैं वो चारों टाइप इनफाइनाइट सीरीज के, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट है। तो फाइनाइट में क्या होगा, देखिए लास्ट में देखिए इनफाइनाइट का साइन नहीं रहेगा इसमें, तो ये कैसे होगा देखिए, इसमें क्या है देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अंडर रूट 3 3 3 3, देखिए यहां सीरीज एंड हो गई है, ऐसे देखिए 8 है, 8 की सीरीज यहां पे एंड हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए देखिए जैसे यहां देखिए, तो देखिए यहां पर n इक्वल टू हो गया आपका, n इक्वल टू करें कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू हो गया देखिए 8, और a इक्वल टू हो गया जो नंबर हमारा होगा। तो देखिए अब इसका आंसर कैसा आ जाएगा, देखिए तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देखिए 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 8। देखिए ये आ गया हमारा 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 8 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई है 8 टाइम करनी है, ठीक है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 पर 32 पर 64 128 256 सारे देखिए 256। अब देखिए देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो एक कम हो जाएगा देखिए ऊपर, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 255 अपॉन 256। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद ना भी हो रहा हो और पाइथन तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि आप क्या कीजिए पहले देख लीजिए कि n कितना है, देखिए n हमारा था 8, तो 8 को 2 की पावर कर दीजिए, तो 2 की पावर 8 आया 256, 256 में से एक कम कर लीजिए 255 आया, और वही 3 की पावर का आंसर आता है, ठीक है। देखिए इसको बताता हूं, देखिए इसमें देखिए यहां पर वैसे देखिए n बराबर कितना है देखिए 6, a बराबर कितना है देखिए 8, अगर इस माइंड से करो देखिए तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितना हो देखिए हमारा, 2 की पावर यहां पर हमारा होगा 6, और 2 की पावर 6 कितना हो गया देखिए 64। अब हमें क्या करना है देखिए, इसमें से कम कर लेना है, तो कितना आ गया 63। तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना मॉडल भी कर सकते हैं देखिए इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखिए 8 की पावर 8 क्या क्या है देखिए हमारा 63 अपॉन 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप चाहे फोन करके देख लीजिए, देखिए 2 की पावर है 64, एलसीएम लेंगे 63 आ जाएगा, तो 63 अपॉन 64 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए जो मैं आपको सिखाया है इसमें जो 4 टाइप थे वो इनफाइनाइट सीरीज के थे, और लास्ट वाला जो था वो हमारा फाइनाइट सीरीज का था। तो स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इससे आपके साथ साथ अन्य जो कम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की उन छात्रों को इसका प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर कहते हैं इसको शेयर जरूर कीजिए, और उसके बाद हम आपसे फिर कुछ समय के बाद एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।